फिर टाइम है ना शादी में, फिर बच्चों को सोचेंगे क्यों अभी से पीछे पड़ रहे हो यार। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। हाइट पे मत जाओ, हाइट पे मत जाओ। लोग जानना चाहते हैं हमारे कितने बच्चे होने वाले। अरे भाई शादी तो दो यार कम से कम, यार कम से कम। चुप कर बे कुत्ते। आप कोई बच्चे से कम दिखता है? ये ऑलरेडी मेरे लिए एक बच्चा है और बच्चे लेके मैं क्या करूंगी, मतलब चुप हो जा सातवीं फेल। ये बात बोल दो ना मैं अच्छा लगूंगा, ठीक है। एक्चुअल में ना ये आज तक बोलते ही मुझे डेट पे लेके नहीं गए, पता है। हाय गाइस, मैं हूँ राशिका और मैं हूँ हितेश एंड टुगेदर वी आर राही। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हम दोनों को ये समझ नहीं आता कि लोग हमेशा आते हैं बोलते हैं ओके थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू सो मच, इतना थैंक यू करते रहते ना। एक्चुअली में यार मतलब जितना थैंक यू बोलो उतना कम है, बिकॉज हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है हमें, है ना। हमने 10,000 लाइक मांगे थे जो कि मुझे लगा था नहीं हो पाएगा, मुझे भी लगा था नहीं हो पाएगा। मैं लास्ट Q&A वीडियो पे मैंने कहा कि यार 10,000 लाइक कर देते हैं, कुछ महीनों साल बाद देखेंगे तब जाके हो जाएगा तो एक और बनाएंगे फिर से। पर वो 3 मंथ्स में, है ना, 3 मंथ्स में हो गया। थैंक यू सो मच। हमारे 10K लाइक्स कंप्लीट हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे 14K, जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी 14K YouTube फैमिली भी हो जाएगी। Instagram में ऑलरेडी हम 65K हो गए आज हम। हाँ बट आज हम 66 हो गए हैं। 66K हो गए आज हम। आज हम 66 हो गए, ऑलरेडी हम 60+ फैमिली के साथ है। एंड एक्चुअली मैं हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी ग्रो कर जाएंगे। ग्रो तो छोड़ो, ग्रो वर्ड तो नहीं है बट इतने सारे राहियंस, यस इतने सारे राहियंस होंगे हमारे साथ और इतने सारे लोग होंगे हमें देखने के लिए एक्साइटेड, हमें सुनने के लिए, हमारा वेट कर रहे होंगे, हमारे लाइव आने का वेट करेंगे, हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं हर एक चीज़ का वेट कर रहे होंगे। सो यस उम्मीद नहीं थी, या थैंक यू सो मच। आई रियली वांट कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे जब तक हम हमें ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। कोई हमें लालच नहीं है कि हम बोले कि हमें 10 लाख पे ले जाओ या 20 लाख पे ले जाओ। प्यार मिल रहा है हमें, हम खुश हैं। प्योर होना चाहिए, प्योर मिल रहा है, हम खुश हैं। वी आर हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। वो भी थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन था कैसे पता चला कि आप दोनों फेमस हो गए। यार एक्चुअली हम लोग अभी तक ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इतने सारे लोग हो गए ऑलरेडी हमें देखने के लिए और हमें देखना चाहते हैं इतने सारे लोग। एंड एक्चुअल में पता मुझे कब फील हुआ कि हाँ हम हमें लोग थोड़ा जानते हैं, जब हम बाहर निकले हम एक बार अभी गोलगप्पे खाने गए थे लिटरली, है ना, तो हम गोलगप्पे खा रहे उसके बाद हमने जब पेमेंट देने लगा एक मैम आई, बोलती है आप दोनों इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, मैं देखती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ, आप दोनों बहुत क्यूट लगते हो, क्यूटेस्ट कपल। और मेरे हाथ में पैसे थे, लाइक ओके या अनदर एग्जांपल वाज हम लोग थोड़ा टाइम पे शॉपिंग करने गए थे चांदनी चौक में एंड वहां पे मुझे नहीं पता वो कौन था कहां से एकदम से पिक्चर क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे उन्होंने भेजा एंड रैंडमली मैंने वो मैसेज ओपन किया। यूजुअली मैं मैसेज ओपन नहीं करती, स्पेशली पिक्चर वाले तो मैं कभी ओपन नहीं करती, बट मैंने और पता नहीं एकदम से मन किया कि इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैंने ओपन किया तो उसमें हम दोनों ही खड़े हुए थे ऐसे ऐसे ऑपोजिट तो हम दोनों ही खड़े हुए थे एंड देन वी रियलाइज कि तो ऐसे देखने जब ऐसे चीज देखते हो ना तब रियलाइज होता है कि हाँ यार हमें प्यार मिल रहा है। फिर शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट Q&A पार्ट 2। यस, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था जब हमारे 10K हो जाएंगे कंप्लीट तो हम दोबारा से एक अनदर Q&A करेंगे एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ से हमारे इंस्टाग्राम फैमिली से होंगे एंड जो नहीं है वो पहले जाके वहाँ पे फॉलो करो यार प्लीज। जो नहीं है प्लीज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है rashikahitesh। अगर आप राही भी टाइप करेंगे RAAHI तो भी आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। सो अगर आप नहीं हैं वहाँ पे तो प्लीज गो गाइज, सपोर्ट अस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यस। तो मैं बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जहाँ पे मैंने बोला था यार हमारी 13K फैमिली हो गई है और हम लोग 10K+ हो गए हैं। एज प्रॉमिस्ड कि हम लोग 10K पे अनदर Q&A करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट टाइम थे जो रह गए थे और हमें लग रहा था कि यार अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, बोर हो जाएंगे लोग तो बाकी के अब छोड़ देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली फिर से इतनी बड़ी लिस्ट सारी क्वेश्चन की, अब ऐसा लग रहा है कि जब 20K टारगेट करेंगे फिर 33 Q&A लेके आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जितने पीछे रहे थे ना उतने डबल फिर से आ गए हैं। बहुत सारे रिपीट भी हुए हैं जो पहले हम आंसर कर चुके हैं तो ऑफ कोर्स वो तो हम आंसर नहीं करेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी न्यू हैं वो हम करेंगे। अगेन स्पाइसी क्वेश्चंस हैं कुछ एंड कुछ बहुत स्वीट से क्वेश्चन है, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑनेस्टली मैं चाहती थी कि मैं इनका जवाब दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमें एज अ राही जानते हैं बट राशिका और हितेश की स्टोरी और उनके पीछे का क्या सब कुछ है वो कोई नहीं जानता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप राशिका से मिलोगे और आप हितेश से मिलोगे। सो इसलिए ये Q&A बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जानने के लिए कि वो क्या क्वेश्चन है, उनके जवाब क्या है स्टोरी, कहाँ शुरू हुई, कहाँ से हम कहाँ तक आ गए, एंड नाउ फाइनली हमारी शादी होने वाली है। तो जवाब देंगे शादी की डेट के अलावा, सब जवाब देंगे। शादी की डेट नहीं बताएंगे वो, उसके अलावा हम सब जवाब देंगे। ओके चलो शुरू करेंगे। चलो ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी लव लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? लव लाइफ इसको मैं ऐसे मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा लव लाइफ, क्योंकि हमें पता भी नहीं चला कि हम कब फ्रेंड्स के बाद हम नेक्स्ट मोड पे आ गए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते आए हैं एक दूसरे को। कभी हमने तू तड़ाक नहीं करी, एज अ फ्रेंड भी हमने तू तड़ाक नहीं करी आज तक भी। जब हमें देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग कैसे हैं एक दूसरे के साथ। एज अ फ्रेंड भी हम ऐसे ही थे और अभी भी हम लोग सेम कॉन्स्टेंट है। रही बात कि वो लव वाला एंगल हमारे लाइफ में कब आया, सो वो आपको हितेश बताएंगे। लव वाला एंगल तो मुझे भी नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट कब आया। हाँ, जब हमारी लाइफ में चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई थी वो मैं बता दूंगा कि कॉलेज डेज की बात है और बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट है, वो मैं शेयर करूँ तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बाय द वे मैं अलग कॉलेज से हूँ, तेज अलग कॉलेज से। हाँ तो ऐसा भी नहीं कि सेम कॉलेज से हम दोनों जैसे मिले हैं ना, मतलब लाइक भगवान जी ने मिलाया। एक सेकेंड इधर उधर होते ना तुम नहीं मिल पाते, हम नहीं मिल पाते। अच्छा हमको सिखा दिया है। एक मैं इससे कॉलेज आया हुआ था एक फेस्ट में, एक रैंडमली मुझे कैमरा पर्सन की ज़रूरत थी। ठीक है, मैं किसी और सोसाइटी में था, एक किसी और सोसाइटी में थी, तो मैंने एक रैंडम पर्सन को रोका कि मैम आपके यहाँ कैमरा पर्सन मिल जाएगा, मुझे कोई है प्लीज़ बता दीजिए मेरे को। एंड तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हाँ मैं आपको अरेंज कर देती हूँ, मैम ने मुझे बोला। और बाई चांस वो मैम ये थी, तो फर्स्ट टाइम मैं मिला था उसे तब। उसके बाद में हम 1-2 बार और मिले फेस्ट के अंदर। हमारे फिर किसी काम रिलेटेड चीज़ें ही हमारी होती रही, नंबर एक्सचेंज में हमारे काम के रिगार्डिंग बात हुई, मतलब काम के रिगार्डिंग हमारी बात हुई 2-3 बारी हमारी बात हुई। उसके बाद में हमारी बात बंद ही हो गई, लेकिन फ़ोन में नंबर सेव थे। स्टोरीज वगैरह देखते थे एक दूसरे की, इंस्टा पे एक दूसरे को फॉलो कर लिया, स्टोरी देखते थे एक दूसरे की, बट बात नहीं होती थी। फिर एक दिन बाई चांस एक स्टोरी पर रिप्लाई कर दिया मैंने, फिर हमारी बात स्टार्ट हुई सबसे। वो भी बहुत अजीब सी स्टोरी थी एक्चुअली। जो ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आपकी पढ़ाई, आप लोग कितने एजुकेटेड है। सो ये बात तब की है जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करी थी और आप भी ग्रेजुएशन। हितेश मुझसे 1 साल बड़े, तो ये इनका फाइनल ईयर था और मेरा सेकेंड ईयर था, ये तब की बात है। सेकेंड ईयर ना मेरा सेकेंड ईयर था, इनका फाइनल तब की बात है। ये मतलब ऐसे आई थी मैं सेकेंड ईयर में और ये आई थिंक आप थर्ड ईयर में आए हो उस टाइम पे, तब की बात है ये। एंड देन स्टार्ट हो गया। हाँ, और मेरा जो सब्जेक्ट था दैट इज साइकोलॉजी ऑनर्स, मतलब मैं साइकोलॉजी की हूँ। एंड मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बिल्कुल ऑपोजिट साइड है। मतलब मैं थोड़ा पढ़ाकू काइंड ऑफ, एक्सक्यूज मी मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? हमारी एजुकेशन ये है कि मैं साइकोलॉजी में पढ़ी हूँ, फिर देन मेरी आगे बहुत सारी पढ़ाई है जो आई विल टेल यू लेटर ऑन। एंड इनकी भी बहुत सारी पढ़ाई है जो ही विल टेल लेटर ऑन। एंड देन दिस इज हाउ वी मेट। एंड उसके भी ऐसा नहीं कि हम मिलती हमने बोल दिया कि और आई लव यू, बट स्टार्टिंग पॉइंट तो देखो वहीं से हुआ, स्टार्ट वहां से हुआ, एज अ फ्रेंड वहां से स्टार्ट हुआ। और ऐसा भी नहीं कि मिलती हमने बोला आई लव यू सो मच, आई लाइक यू। लाइक 1-1.5 साल बाद हमारी फिर से बात हुई है। 1 साल बाद हम लोगों ने फिर से चिट चैट करना शुरू किया। एंड देन आल्सो वी वर फ्रेंड्स। ओके, तो तब भी हम लोग ऐसे नहीं थे कि हाँ बेबी शोना नो ना, नो नथिंग लाइक दैट। तभी भी हम फ्रेंड थे। एंड थोड़ा टाइम लगा समझने में और प्यार वाला एंगल लाने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा दिन में बहुत टाइम लगा हम दोनों को। तो ऐसे शुरुआत है हमारी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक दूसरे में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? इसका आंसर आप दो। मैं दूँ? हाँ जी। आपको भी देना है अपनी बारे में तो मैं जवाब नहीं दूंगा, तेरे बारे में आप तो बताइए कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या अच्छा लगता है। हितेश ने डाला, मैंने डाला है, सिर्फ मैंने डाला है। सो 3 चीज़ें मुझे हितेश के बारे में जो बहुत पसंद है, जो तो मैं ऐसे खुले में बोल सकती हूँ कि भाई ये मेरे वाले में है। ओके, फर्स्ट इज़ ऑनेस्टी ऑफ कोर्स सिंस डे 1। ऑनेस्ट ऑफकोर्स, मतलब मैंने इतना ऑनेस्ट इंसान नहीं देखा। अगर इनकी गलती भी होती है ना, ही कम एंड एक्सेप्ट किया मेरी गलती है, अब तुझे को जो खाना हो खा ले बट मेरी गलती है। सो या ऑनेस्टी देन रिस्पेक्ट, जो हम दोनों में आई थिंक ये फीचर कॉमन होगा कि रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। जब से लेके अब तक मतलब इन्होंने कभी मुझे तूतड़ा करके बात नहीं की है, कभी ऐसे गुस्से में तूतड़ा करके, या कभी हुआ ही नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे बीच में कि हम लोग एक दूसरे को ऐसे गिरा रहे हैं। और रिस्पेक्ट वाला जो हमारा जो यू नो चीज़ है, जो वो कहीं से भी हर्ट हो रही है, कहीं से भी नहीं लेट डाउन हो रही हूँ। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स डेडिकेशन, जो मैंने हितेश से सीखी है। ये पर्सनली मैंने हितेश से सीखी है। मैं बिल्कुल भी ऐसे डेडिकेटेड चाइल्ड नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल होती है ना ऐसे मतलब केयरलेस लड़की जो होगा देखी जाएगी लाइफ में, जैसे होगा देखी जाएगी। एंड हाँ ऑफ कोर्स मेरे कुछ गोल्स थे तो उसके लिए तो मैं थी डेडिकेटेड, बट ऐसा नहीं था कि हर चीज़ को मैं सीरियसली नहीं लेती थी। मतलब मेरे को चीज़ें मिलती थी एंड मैं उसकी इज्जत नहीं करती थी। इज्जत एज इन कि मुझे चीज़ें मिल जाती थी ईजिली एंड देन मुझे वो मिल जाती थी तो इट्स लाइक ओके डन, अब मेरे को मिल गई वो चीज़ तो आई एम हैप्पी एंड देन वो चली जाए मेरी लाइफ से, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट ऑफकोर्स इनके आने के बाद ये चीज़ चेंज हुई मेरी लाइफ में। डेडिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरी लाइफ में ऐड किया हितेश ने, कि अपने काम को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने लाइफस्टाइल को लेकर के, एवरीथिंग जो भी हो, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड अपने काम को लेकर, चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ मैंने हितेश से सीखी। रिस्पेक्ट ऑनेस्टी ऑफकोर्स वो हम दोनों में मेनटेन डे वन से ही थी, उसी की वजह से शायद मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड ये चीज़ मैंने हितेश से सीखी है। ओके मैं बोलूं या मैंने 5 मिनट बोल देंगे और इनके बाद एक भी शब्द नहीं होगा, देखना अभी। हाँ नहीं, मैं एक चीज़ पहले क्रॉस करूँगा जो उन्होंने मुझे बोला अभी, दैट जो हार्ड वर्किंग है, मैं लाइक आपने मुझसे सीखा है हार्ड वर्किंग, मैं चीज़ क्रॉस करता हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ आज भी आपसे हार्ड वर्किंग। शी इज़ मोर हार्ड वर्किंग देन मी। हाँ नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं सीखी आपसे। नहीं आपने सीखी होगी, बट मुझे आज भी ये चीज़ फील होती है दैट आप बहुत हार्ड वर्क करते हो अपने काम के अंदर। हर मैं काम को फिर भी चीज़ें छोड़ देता हूँ कि यार ठीक है बस हो गया, बट ये पूरा एकदम, चाहे वो काम इतना हो चाहे इतना हो, कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो, कितने पैसे, मतलब लाइक फुल डेडिकेशन, फुल हार्ड वर्किंग, फुल हार्ड वर्किंग से करती है एकदम। लाइक लिटरली मैं रोक देता हूँ, कह रहे ठीक है इसमें इतना मत ध्यान लगा, ठीक है छोटा सा काम है हो गया, नहीं यार अच्छे से करना है एकदम। तो इसलिए ये चीज़ तो मैं कैंसिल करूंगा मैम की। सेकंड चीज़ जो है ठीक है, बट सीखा तो मैंने आपसे है ना इंशाल्लाह। हाँ यू कैन से, बट मैं आज भी उस चीज़ को देख के कहता हूँ वाओ। एंड सेकंड थिंग इज इनका नेचर बहुत केयरिंग है सबको लेके, जो नेचर है ना द पर्सन, शी इज़ वेरी केयरिंग पर्सन। कोई भी लाइक जो इनका बुरा भी कर देना ये उसके भला सोचेगी। मैं पकड़ता हूँ बहन क्या हो गया क्या हो गया, रुक जा ठहर जा, नहीं वो तेरा बुरा करे क्या है तो क्या हो गया, कोई नहीं बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं बुरा नहीं करूंगी, है ना कुछ नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं लगता है ठीक है। अच्छा वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगी, मैंने कहा अरे उसने भी बुरा किया है, वो क्या सोचेगा क्या सोचेगी, कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं। तो केयरिंग नेचर ना, वो बात अलग है कि इसमें बेवकूफी होती है थोड़ी कभी कभी। हाँ मुझे बोलते तो बेवकूफ है इन चीजों को लेकर के, बट मुझे लगता है कि इट्स ओके, बट वो अपने कर्म करे। ये चीज ना, ये जो नेचर है इनका, ये एज अ पर्सन कैसी है दिखाता है, बहुत अच्छी है। Okay, मुझे नहीं पता तुम्हारा भी नेक्स्ट। तीन बताइए, मैंने तीन तो बताया एटलीस्ट। तीसरा मैं ना sum up कर देता हूँ एक वर्ड बोल के, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। दैट आप सभी, मैं देखता हूँ, मैं मैसेजेस देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ, सब बोलते हैं मैम यू आर वेरी ब्यूटीफुल, रशिका वेरी ब्यूटीफुल, रशिका वेरी ब्यूटीफुल। मैं आगे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट सबसे ज़्यादा चीज़ पता क्या है, अच्छी। ये बहुत ब्यूटीफुल सोल है। मैं sum up कर दिया पूरा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर हैप्पीएस्ट फीलिंग। अब इसका आंसर आप अकेले दो। मेरा, मैं तो मेरे को आई थिंक लगता है हम दोनों का सेम आंसर होगा। बोलो। और मैं बता दूं कि हमने इस आने से पहले कोई क्वेश्चन आंसर ऐसे रीड नहीं किए हैं, रैंडमली हितेश ने स्क्रीनशॉट ले रखा है, रैंडमली मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, अब जो सामने आ रहा है वही क्वेश्चन मैंने रीड भी नहीं करे हैं अभी। रीड, हाँ रीड, मैंने एक क्वेश्चन रीड किया था बस, वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं जवाब दूंगी उसका, वो क्या क्वेश्चन आपको पता चलेगा आगे, बट ये क्वेश्चन अभी हम रीड करें बस आपके सामने है। व्हाट्स योर हैप्पीएस्ट फीलिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जवाब हम लोगों को कॉमन होने वाला है क्योंकि यू डोंट नो मैं क्या बोलने वाली हूँ, राइट। सो मेरे लिए हैप्पीएस्ट, जब मेरे फादर ने एक्सेप्ट किया था यही, ओह गॉड जब मेरे फादर ने एक्सेप्ट किया था ऑफ कोर्स हितेश को कि ठीक है ओके फाइन, नाउ आई अग्री टू दिस रिलेशनशिप, नाउ वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड, अब आप लोग सोच सकते हैं अपने बारे में. एंड वो मेरे लिए हैप्पीस्ट फीलिंग, यू नो. पर आई स्टिल रिमेंबर, मतलब ये बहुत पर्सनल है. जब तक हम एक्चुअली ना, बहुत अजीब सी स्टोरी है, वरना हमारे रोके की जगह ना बुक नहीं होती है ना. हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम इतना ग्रैंड रोका करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे, कुछ ऐसा प्लान नहीं था. हमारा घर में रोका करेंगे रैंडमली, नॉर्मल ऐसे घर वाले आ जाते हैं एंड वही वाला रोका करेंगे. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन है तो हम लोगों को करना चाहिए थोड़ा सा करना चाहिए. तो शादी में टाइम था हमारी, शादी बहुत टाइम है क्योंकि हमारी ना अब तब तो टाइम नहीं है, पर बहुत टाइम था तब. ठीक है, तो हमने कहा पहला फंक्शन है यार, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं. एंड हम दोनों ही चाहते थे कि अच्छे से करें ऑफ कोर्स. ओके, सो हमें लगा कि पहला फंक्शन है तो हमारी फैमिलीज भी चाहती थी कि अच्छे से हो सब कुछ, थोड़ा सा यू नो अच्छा हो जाए. तो हमने ऐसे किया. एंड देन आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जिस मैं अपने फादर के साथ जगह को बुक करने गई थी. तो हम पहले जाके देखा है तो जगह, बट जब मैं बुक करने गई थी ना, और वाइल कमिंग बैक वहाँ से वापस आते टाइम पे मेरे पास वो एनवलप था जहाँ पे आप इसे डिपॉजिट करते हो कुछ, तो आपको एक रिसिप्ट देते हैं ना. तो मेरे पास वो एनवलप में थी वो रिसिप्ट, एंड मैंने इनको टेक्स्ट किया, रिमेंबर दैट मैसेज, मैंने इनको टेक्स्ट किया कि मुझे अब जाके विश्वास हो रहा है कि हमारा रोका हो रहा है. तो मैंने बोला अब इस रिसिप्ट के बाद मुझे विश्वास हो रहा है कि हमारा रोका हो रहा है. एंड और इतना ग्रैंड हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हमने कुछ भी वो ग्रैंड था नहीं यार, वो एक्चुअली वो ग्रैंड नहीं था, वो नॉर्मल एक फैमिली गेट टुगेदर वाला फील था. फैमिली की वजह से, हम दोनों ही फैमिली की वजह से ग्रैंड हो गया. हाँ, वो हमारी फैमिलीज की वजह से ग्रैंड हो गया वो. मतलब हमारी फैमिलीज ने जो रंग डाला ना उसमें मजा आ गया, मतलब मजा आ गया. फैमिली और फ्रेंड्स ने, फैमिली हो गई और हमारे दोस्त हो गए, इसकी वजह से ही पूरा फंक्शन ग्रैंड हो गया था. ओह माय गॉड, वाओ, उन्हीं की वजह से हमारी जो वायरल वीडियो है ये तो भाई हमने कभी क्रेडिट नहीं दिया अपने फ्रेंड्स को, बट एक्चुअली जो वायरल वीडियो है उसके पीछे पूरा योगदान हमारे फ्रेंड्स का है. उन्होंने वो गाना प्ले किया, उन्होंने इनको नचवाया, वो हमें लेके गए वहाँ तक. सो यस, ये सब उनकी वजह से पॉसिबल है, तो उनको तो भैया उनके लिए क्लैप करना तो बनता है. वीडियो भी यार मेरी फ्रेंड ने बनाई थी. हाँ, फ्रेंड की वाइफ ने बनाई थी, जो इनकी ऑलरेडी पहले फ्रेंड है, मेरी वो भी फ्रेंड बनी, तो उन्होंने बनाई थी वीडियो हमारी. फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी उन्होंने बनाई थी. हाँ, तो मैंने पहले बता रखा है कि वो जो कैमरा वाला फुटेज है वो तो हमें नहीं पता कि वो हमारे पास है. पहले तो वही वायरल हो रहा था, उसकी वजह से हम इतने फेमस हो गए थे. एंड देन वो सेकंड वीडियो बाहर आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, आपकी लाइफ में हितेश की क्या इंपॉर्टेंस है? अभी तो दिया यार देखो, हर मतलब मैं एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहूँगी, ना ही एज अ फियांसे जैसे इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगी. मैं एज अ हस्बैंड और वाइफ इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगी. अब ऑलरेडी शादी होने वाली है ना, तो ऑफकोर्स जैसे हर एक वाइफ की लाइफ में अपने पति के लिए इंपॉर्टेंस होती है, तो मेरी भी वही है. इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है? बट हाँ, वो बात लगा कि मैं एक मतलब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैंने अपने आप को जब से हितेश मेरी लाइफ में आया, मैंने उनके आसपास ही अपनी लाइफ बना रखी है. अग्री? या एग्रीड. ठीक है, सो मेरी लाइफ उनके आसपास ही है. मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड, लाइक एक दो फ्रेंड, वो भी साल में कभी एक बार मिल लिए तो मिल लिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं कि मैं आई विल कॉल देम अप एंड से ओके हेलो लेट्स मीट अप, नो नथिंग. हमारे मतलब आपको मत सिखा, वो है तो ठीक है, बट अगर वो बिजी है इधर उधर कहीं है तो ठीक है, मेरे पास हितेश है. एंड देन हाँ, मतलब मेरी लाइफ आसपास हितेश के आसपास ये फ्रेंड नहीं है. फैमिली ऑफ कोर्स दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली तो है ही, बट हर चीज़ के लिए आई वांट हितेश. मैं लास्ट टाइम भी बोल चुकी हूँ, मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हितेश. चलो नेक्स्ट. राशिका दीदी को भी मूड स्विंग्स होते हैं क्या, और क्या वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं? तो मेरा इनर सोल क्वेश्चन पूछ रहा है. लड़की को होते हैं यार, मैं कोई रोकी थोड़ी ना हूं. बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, हाँ, पर जब होते हैं तब बहुत ज्यादा होते हैं. अच्छा, हाँ, मूड स्विंग्स मतलब लाइक हमेशा नहीं होते, पर जब होते हैं ना तो बहुत ज्यादा होते हैं. लाइक एकदम से हम हंसते हंसते बात कर रहे हैं, एकदम से गुस्सा हो जाएगी मैम, और मुझे पता नहीं चलेगा मैंने क्या बोल दिया, गुस्सा क्यों हो गई, मैंने कुछ किया, और मैं पूछ भी नहीं सकता. पूछ क्यों नहीं सकता? मैं पूछूंगा कि मैंने कुछ किया, पता नहीं क्या किया आपने. तो ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल है. कि मैं अनोखी नहीं हूँ, ठीक है। सो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ओके ये टारगेट किया गया मुझे यहाँ टारगेट किया गया, हाँ ये टारगेट है मेरे लिए भैया, ऐसे कुछ ये सबके साथ होता है ये चीज़, हर लड़की के साथ होती है ये चीज़। सो मैं अनोखी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। चलो नेक्स्ट, हाँ ठीक है। आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है और एज मैटर करता है प्यार में या नहीं? दो क्वेश्चन है बेसिकली। पहला क्वेश्चन, आप दोनों में एज डिफरेंस कितना है, तो इसका आंसर है पहला मतलब 1 ईयर का 1 ईयर का, यस हम दोनों में 1 साल का डिफरेंस है सर। एग्जैक्ट टू बी वेरी एग्जैक्ट 11 महीने का ही डिफरेंस है। हाँ ज़्यादा भी नहीं, मतलब 1 साल होने में 1 महीना कम मतलब 11 मंथ्स का डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में का ही पार्ट है, एज मैटर करता है प्यार में या नहीं, तो सुष्मिता सेन और नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लो आप, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मुझे यहाँ पे कोई ऐसे कंट्रोवर्सी या कुछ भी क्रिएट नहीं करना। अगर आपको बाई चांस, ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से अगर बाई चांस आपको बड़ी लड़की मिलती है और मैं एज में बड़ी होती सो, तो नहीं मैटर करता है, इंसान मैटर करता है मेरे हिसाब से, है मेरे लिए मैटर करती है एज। लेकिन यार एक ना जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए, एज गैप चलता है, मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरेशन गैप और एज गैप में फर्क होता है। You mean 10 साल का डिफरेंस है ना? जनरेशन गैप होता है 7-8 साल का फर्क। अच्छा। और एज गैप होता है लाइक 2-3 साल बड़ा, 2-3 साल छोटा। एज गैप वो होता है। जनरेशन में तो क्या होता है मतलब समझ ही नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। जब जनरेशन गैप आ जाता है, जैसे हम कहते हैं हमारे मम्मी पापा हमें समझते नहीं है, एक्चुअली समझते हैं यार, पर जनरेशन गैप जो है ना वो मैच नहीं कर सकते हम। जैसे अब हम नए बच्चे आ रहे हैं जो आजकल के 10-12 साल 15 साल के कॉलेज गोइंग, मेरा छोटा भाई है, जो हम दोनों में काफ़ी इशूज आ जाते हैं। जनरेशन गैप है, 8 साल बड़ा उससे मैं, जनरेशन गैप है, तो जनरेशन गैप रिलेशनशिप में नहीं चल पाता, वो भाई बहन में सब में चल जाता है बट रिलेशनशिप में नहीं। बट मेरे लिए एज गैप बहुत मैटर करता था और करता है ऑफ कोर्स, अब क्या करता है, अब तो करता था क्योंकि अगर ज़्यादा एज गैप होता तो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, और तो मैंने ये सोच समझ के किया और मेरा भी ड्रीम था यार कि मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा बड़ा लड़का, अगर मेरा बस चलता तो हमें मुझे 7 का ही चाहिए था, मतलब अब बस नहीं चल पाएगा, सॉरी। बट आई एम हैप्पी कि 1 साल तो एटलीस्ट होना चाहिए, थोड़ा संभालने वाला तो होना चाहिए ना, तो यार चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेज ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब दे मीन टू आस्क कि क्या नुस्खे हैं, क्या ऐसे तरीके जिनकी तरफ हम हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जा सके। तो टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कोई तरीके नहीं है, कोई तंत्र मंत्र या कोई खाने की चीज़ नहीं जिससे आप खाएंगे या नहीं ओ हमारा हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ यहाँ तो है ही ऑफ कोर्स, और जो मैंने बताया था रिस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर आपके रिलेशन में रिस्पेक्ट है तो आई थिंक वो एक हेल्दीएस्ट रिलेशनशिप है फर्स्ट। सेकेंड ऑनेस्टी, ऑनेस्टी टॉप नॉच पे रखती हूँ, बट ऑनेस्टी में मैं टॉप नॉच पे लॉयल्टी रखता हूँ। हाँ ऑनेस्टी लॉयल्टी दोनों सेम थिंग, लॉयल्टी इज डिफरेंट थिंग, ऑनेस्टी डिफरेंट है। ओके मेरे लिए ऑनेस्टी का मतलब वही है कि हाँ लॉयल रहना अपने पार्टनर से, दैट मींस आप ऑनेस्ट हो, तो हाँ लॉयल्टी ऑफ कोर्स टॉप नॉच, फर्स्ट लॉयल्टी एज पर हितेश। मेरे लिए रिस्पेक्ट पहला, एंड ये 2 चीज़ें हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में दोनों चीज़ें हैं तो यस आपका रिलेशनशिप हेल्दी है और वो लॉन्ग टर्म चलेगा। वो सब हमारे में भी बहुत होती है, आपको क्या लगता है ऐसे पुच्ची पुच्ची कर लेंगे तो बेबी शो ना कर तो मतलब सब अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो। शुक्र है कि आप लोग कभी हमसे बाहर नहीं मिले भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपने कभी हमें बाहर नहीं देखा। हम भी लड़ते हैं यार, अगर जिन्होंने देखा होगा उन्होंने हमें यही करते हुए देखा होगा, और कुछ नहीं देखा। ना भी लड़ते हैं यार, लड़ते ही है हम, मतलब ऐसे वाले लड़ते हैं कि गुस्सा करने बैठ जाए, मतलब छोटी-छोटी बातों में किटपिट ना छोटा टाइम होनी चाहिए, किटपिट कि ये क्यों नहीं खा रहे, ये क्यों नहीं खा रहे हो, किटपिट से पता क्या होता है इंसान बोर नहीं होता तो मतलब आप बोर करने नहीं इंसान बोर नहीं होता, कुछ नया नया मिलता रहता है ना, कुछ बात करने के लिए कुछ किटपिट लगी रहती है, मतलब बंदा ना एक ही चीज रूटीन फॉलो करते करते हेलो गुड मॉर्निंग हेलो गुड नाइट करते बंदा ना बोर हो जाता है। नए टॉपिक मिलते हैं बात करने के लिए लड़ने के नए टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोका वीडियो कब आएगा। ये मेरे भी क्वेश्चन मार्क है वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरी रोका वीडियो को लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी ऑनेस्टली। ये मैंने कल अपनी स्टोरी में भी डाला है, मेरे हितेश को भी नहीं पता था क्योंकि हम दोनों ने कभी आज से दूसरे का फ़ोन चेक नहीं किया है, कभी नहीं किया, लाइक नेवर सिचुएशन कभी नहीं आई, एंड आई डोंट वांट कभी सिचुएशन आए, आई डोंट वांट कभी सिचुएशन आए, मजाक करो यार। हाँ कभी ऐसा नहीं हो, तो इसको पता ही नहीं कि मेरे फ़ोन में क्या नहीं है। एंड हम लोग ऐसे रोका वीडियो की बात कर रहे थे कि रोका वीडियो डालना चाहिए हमको, बहुत लोग चाह रहे हैं, बहुत टाइम से मांग रहे हैं। तो तब मैंने कल हितेश को बताया कि मैंने तो आप यू नो कि मैंने रोका वीडियो में रोका वाले दिन सुबह सुबह शूट किया था ऐसे ऐसे करके, लाइक रियली है वैसे किया। तो मैंने ऐसे सर्च किया एंड मैंने उसको पोस्ट कर दिया, मैंने हितेश को टैग किया, लाइक तूने ऐसे किया था उस दिन? बोला हाँ मैंने किया था, और मेरा सच में प्लान था कि ये रोका वीडियो हमारे फर्स्ट वीडियो होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल में, बट अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई अपने घर में सबको तैयार करने के चक्कर में कि मैं 15 मिनट में तैयार होने के बाद मुझे पता नहीं मेरा कौन सामान कहाँ पे। लिटरली मैं 15 मिनट्स में रेडी हुई हूँ, मैं वहाँ पहुँच चुका था, ठीक है। एंड मैंने कॉल किया, मैंने कहा कहाँ पे है यार, मैं तो अभी नहा के निकली हूँ, हाँ तो मतलब हम लोग को प्लान था कि हम सुबह कितने 10 बजे पहुंच जाएंगे वेन्यू पे, ये हम लोग 10 तक पहुंच गया, 10:15 या 10:10 तक पहुंच गया। झूठा कोई 10 बजे नहीं पहुंचा, ठीक है 12 बजे पहुंचते हैं आप। शुक्र है 12 बजे पहुंचा। आप कितने बजे पहुंचे? मैं पहुंची 1:30 बजे, मैं पहुंची 1:30 बजे और इनके यहाँ सब आ चुके थे, मेरे यहाँ से कोई मुझे क्या पता क्या है। वेन्यू से पहले कौन पहुंचा? वेन्यू से पहले कौन पहुंचा? दूल्हे राजा। मैं अपनी गाड़ी पीछे करी, मैंने कहा यार तो मैं जाता हूँ, बिल्कुल ट्रेन लूंगा भाई, मेरे घरवाले नहीं आए, इसके घरवाले नहीं आए। हाँ इधर बैठे और मैं सबसे आखिरी में पहुँची थी, सबसे आखिर पहुँच गए। तो मतलब मेरे को नहीं पता, मेरा ऐसे मैंने लहंगा पड़ा, मेरा ऐसे लहंगा उतारा, ऐसे ब्लाउज नहीं मतलब ब्लाउज पहना होता, ऐसे लहंगा उतारा, ऐसे ब्लाउज किया, दुपट्टा लिया, ओके ठीक है ओके डन। मेकअप क्या मतलब हेयर डू मैंने बना लिया था, हेयर डू मैंने सबसे पहले बनवा लिया था, तो हेयर डू बना के सबका मेकअप वेकअप करी थी। एंड देन एंड में ओके लिपस्टिक भी वो मतलब ऐसे लिपस्टिक उठाया लगाया, ओके डार्क लग गया, रब किया एंड देन बस चलो। ऑनेस्टली ये हुआ था मेरे साथ कि मैंने लिपस्टिक लगाया, ग्लॉस लगाया, ओ माय टू मच हो गया, हट उसको वाइप ऑफ किया एंड जो टेंट लगा हुआ था लिप्स पे, गो फॉर इट, ऐसे बस चुनी टांग के कॉल देते मैसेज आ रहे थे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी, ओके ठीक है डन। तो फिर इसलिए रोकेगी हमारा व्लॉग तो कुछ भी नहीं है हमारा रोकेगा, हाँ बस अब बट हाँ बट रोकेगी कुछ क्लिप्स है जो बना के वीडियो बनाएंगे हम, कोशिश रहेगी हमारी मे बी इसकी इस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो, हाँ कोशिश है, नहीं तो एक वीडियो और स्किप कर देना ठीक है, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ हाँ लेकिन कंफर्म है, गारंटेड है नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट या फिर इससे अगली वाली डन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स गोइंग टू बी द नेम्स ऑफ योर फ्यूचर किड्स? बालकों के नाम जानना चाहते हो? मेरे मुझे नहीं पता भाई, हमारे नाम जान लो बस, वही बहुत हमारे नाम जान लो कि तो हितेश, राशिका, राही यार नहीं पता यार, से कुछ नहीं सोचा हमने, बट देखते हैं यार, अभी शादी होने दो, आप ही बता दो, आप सजेस्ट करो, जब तक होएंगे तब तक हमारे पास आई थिंक तो कितना कई हजार ना हो जाएंगे, 4000 क्या 4-5 years of course 4-5 years में 365 कर लो, इतने नाम तो आ जाएंगे हमारे पास, कई नाम आ जाएंगे, तो फिर आप ही कर लो डिसाइड कि क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपका हैशटैग है इसका आइडिया आपके पास कैसे आया? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। ओके सो ये बहुत मतलब सडन इसलिए क्योंकि ऐसा कोई प्लानिंग था कि हमारा हैशटैग बनेगा, क्योंकि हम प्लान करते थे हैशटैग का, पर हम प्लान में क्या करते थे, सीरियस होके नहीं करते थे, हाँ हितिका हम करते थे, हम प्लान करते थे हितिका, ऐसे सीरियस होके नहीं करते थे कि आप बिकॉज पता नहीं था कि ऐसे रोका करेंगे और यहाँ पे ऐसे हैशटैग होना चाहिए, कुछ ऐसा आइडिया नहीं था ऐसे। और मैं हितेश एक दिन बैठे हुए एंड हम लोगों ने प्लान किया यार हमारे स्टेज के पीछे एक हैशटैग तो होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए वो हितिका गॉट रॉकिफाइड और राही का हितेश और व्हाट ऐसे कुछ हमने छोटे मोटे सोचे हमने। एंड देन हमने फिर ऐसे बैठे थे एकदम से ऐसे मतलब बातें करते ऐसे टेंशन लाइक कि क्या हो जाएगा, मैंने मैसेज किया था आपको, फिर इन्होंने मुझे मैसेज किया कि राही हो सकता है, ये राही भी तो बोलता है, राही बहुत अच्छा है, हाँ मैं बोला राही, मैं बोला डबल ए आता है, मैं हाँ राशिका एंड हितेश लाइक ओके डन। और फिर हमने वो बना लिया और फिर हम लोग गए, हम बनवा के लेके आए, आज हम उसको बना के लेके आए। और जिस दिन एक मेरा एक रील है जिसमें पीछे मैंने देखा नहीं था कि वो हैशटैग कैसे बन के आया है, रोके वाले दिन ही मैंने देखा वो हैशटैग कैसे बन के आया है। एंड उस टाइम पे हितेश मुझे ऐसे यू नो होता है ना कि जब लड़की जाती है स्टेज पे तो लड़का हाथ पकड़ता है, वो हितेश मेरे हाथ पकड़ के बोल गया था लाइक राही लाइक दिस, मतलब मैं हितेश को नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ राही मैं ऐसे थी एंड हाँ तो ऐसे वाला हैशटैग आया। और जब वो आ गया ना तो मैं बहुत सारे लोगों ने बोला तुम्हारा हीरा हो सकता था, तुम्हारा ये हो सकता था, तुम्हारा वो हो सकता था। मतलब अब तो हो गया, अब यही तो हो गया और अब यही फेमस हो गया, अब तो इसी को रहने दो। तो ऐसे हैशटैग हमने सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलेशनशिप में आने से कोई डिसएडवांटेज हुई क्या आपको? ये किसके लिए है? ये मेरे लिए। अच्छा, आंसर करो फिर। डिसएडवांटेज मतलब समझ नहीं पाई मैं क्वेश्चन, मैं भी सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ। डिसएडवांटेज क्या होएगा? मैं तो मजाक करती हूँ। डिसएडवांटेज क्या होता है रिलेशनशिप में यार? आई डोंट थिंक सो। अगर आपका अच्छा रिलेशनशिप है तो कोई डिसएडवांटेज है इसमें? हाँ, मैं वैसे हो सकता है कि आप बहुत सी चीज़ें छोड़ देते हो, वो आई थिंक ज़रूरी भी है यार रिलेशनशिप में, मतलब हेल्दी रखने के लिए। हाँ, रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है, मतलब दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। और उसको मैं डिसएडवांटेज बोलूँगा, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं वर्ड बोलूँगा, मैं उसके लिए कुछ और वर्ड भी सोचता हूँ, बट कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा वर्ड नहीं है। ठीक है, बट साथ रहने के लिए जो हम करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, लाइक ऐसा एफर्ट्स लाइक। हाँ, ओके, ठीक है, बट हाँ तो मैं उसको चेंज करते हैं, ये बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड, बट मैं इसको डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूँगी कि हाँ डिसएडवांटेज होते हैं यार। अच्छी इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है और वो गंदी गंदी चीज़ें जाती है। What do you mean by गंदी गंदी जा रही है? Like जो भी changes हुए हैं। हाँ, changes हमारे life में। changes नहीं हुए तुम्हें। हमारे life में। कोई ना, गलत क्वेश्चन, हटाओ, सवाल को। सवाल को delete करते हैं। अगला सवाल है, आप दोनों कहाँ मिले थे और सबसे ज़्यादा irritated कौन हो जाता है आप दोनों में से? Love from Meerut, ये भी लिख के दिया साहब। हम दोनों कहाँ मिले थे उसको तो हम जवाब दे चुके हैं। जवाब दे चुके हैं कॉलेज में। उसकी कॉलेज में। मेरे कॉलेज में। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, आप दोनों में से कौन इरिटेट हो जाता है जल्दी? पहले मैं हो जाता था, अभी हो जाती है। मैं सुधर गया, लाइक मैं तो ये बोलता हूँ इसको कि जैसे पहले मैं था ना वैसे तू बन गई है। तो मैंने भी लास्ट टाइम कहा था, पहले मैं हो जाता था, अब ये हो जाती है। मैं अब इसको यही बोलता हूँ, जैसे पहले मैं था वैसे अब आप बन गए हो, है ना? पुरानी हितेश ये है, पुरानी राशिका ये है। तो मैंने तो कहा भी था लास्ट टाइम कि जैसी मैं थी वैसे ही बन चुके, वैसे ये थी वैसे मैं बन चुकी हूँ। हाँ, पहले मैं ज़्यादा सी बात पे इरिटेट वर्ड सही नहीं, बड़ा गुस्सा, लाइक इरिटेट इस बोलो, चलो खुश रहे इरिटेट। हाँ, मैं हो जाती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब था ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, जैसे हाउ मेनी बेबीज आर यू प्लानिंग? मतलब इंस्टाग्राम वालों को मन करे तो वो तो मुझे बोलते हैं कि मेरा कल ही बच्चा होने वाला है। इतने सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं माना गाइस कि मैं मोटी हूँ, बट दैट डजंट मीन दैट आई एम प्रेग्नेंट। ओके, यस, मैं क्लियर कर रही हूँ, बोल रही हूँ बड़े बड़े शब्दों में, मैं तो रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ऐसा कोई प्लान भी नहीं है हमारा। हाउ मेनी बेबीज, डोंट नो, नो आइडिया, डिपेंड करता है टाइम पे कि देखते हैं यार, कितनी महंगाई चल रही है भाई, एक अच्छा सबसे। लेकिन यार हाँ, चलो अब ऐसा कोई प्लान नहीं है ऑनेस्टली, मजाक हट के कोई ऐसा प्लान नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा बहुत फ्रेंड क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं दिल से जवाब देना, हितेश को नहीं पता मैं क्या जवाब देने वाली हूँ। अब वो पता नहीं मुझे अग्री करते हैं नहीं करते जो मैं बोलने वाली हूँ, पता नहीं इसको डालेगा कि काट देगा, नो आइडिया। क्वेश्चन है, व्हेन यू रियलाइज दैट दिस was more than friendship and how you expressed it, मतलब कब आपको रियलाइज़ हुआ कि ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा चीज़ जा रही हैं और आपको कैसे रियलाइज़ हुआ, कैसे आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया? जवाब दो, आपको कब लगा, फिर बताऊँगी आप ही दोस्त का आंसर। ओके, सो मुझे क्या कब रियलाइज़ हुआ, हमें फ्रेंड बने हुए 1 साल हो चुका था, उसके बाद की बात है। एंड रैंडमली हम लोग डिस्कस करते थे, मतलब मैं हितेश डिस्कस करते थे अपने करियर के बारे में, क्या करना है कैसे करना है, लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग डिस्कस करते थे। एंड आई रिमेंबर हितेश उस टाइम पे अपने थोड़े स्ट्रगलिंग टाइम पे थे, स्ट्रगलिंग इन द सेंस ऑफ कि इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड देन उस टाइम पे ये मुझे आके हर एक चीज़ बताते थे कि ओ आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। एंड गाइस, मैं क्यों बोल रही बार बार डेडिकेशन एंड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने देखा है, हम दोनों ने इनफैक्ट एक दूसरे को यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा। अभी यहाँ नहीं पहुँचे, अभी यहीं है। हाँ, मतलब अभी यहीं हमारे लिए, हमारे लिए भी बहुत है, अभी यहाँ से यहाँ तक ही मान लो यार, अभी यहाँ से यहाँ तक जाते हुए देखा है। और ये चीज़ मैंने अपने मॉम डैड को भी कही थी कि भाई हम दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया है, एंड डे वन से हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है ग्रो करते हुए और एक दूसरे को सपोर्ट किया है, ग्रो करने में सपोर्ट किया है हम दोनों ने एक दूसरे को। सो हाँ, उस टाइम पे मतलब ये जाते थे अपना, जब एक बिज़नेस शुरू किया था इन्होंने तो जाते थे, बहुत थका हारा बेचारा आ रहा है, एक दिन बता रहा है, मुझे भी टाइम दे रहा है और इन्होंने अपनी हर एक चीज़ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। रिमेम्बर दैट डायरी वाला इंसिडेंट, मतलब एक दिन ही लॉस हिज डायरी जहाँ पे सब कुछ ऐसे लिखा करते थे एंड ही केम टू मी लाइक कि आई लॉस माई डायरी एंड उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट हुआ करता था एंड ऑल दैट स्टाफ। तो लाइक ओके इट्स ओके फाइन, मिल जाएगी। वो ही पूरा घूमने गए दोबारा से स्कूटी पे दोबारा से ढूंढने के लिए उस डायरी को, डायरी नहीं मिली। आई वॉज वेरी सैड दैट डे कि मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डायरी था, मैं उसमें सब लिखा करता था, मेरे क्या प्लानर्स है क्या है वो करके। एंड उसके बाद से वी रियलाइज़ कि यार दिस इज़ नॉट फ्रेंडशिप, इससे फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। बिकॉज एक बंदा जब इमोशनली अपनी, बहुत इमोशन था, बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस टाइम पे, ये दिन उस दिन पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो ये केम टू मी एंड सेड, मतलब मेरे को सर रोने वाली आवाज़ में मुझे कॉल करा ना कि यार वो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो नॉर्मल ऐसे होता है कि हाँ ठीक है बातचीत की, चलते को मिल गया ना, ठीक है मिल जाएगा, छोड़ दे कुछ और लिया। बट मैं भी उस दिन बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई कि यार इस इंसान इतना हार्डवर्क करता है और इसको यू नो सिर्फ डायरी के लिए इतना परेशान हो गया एंड वो आके मुझसे शेयर कर रहा है एंड वाज लाइक आई लॉस माई डायरी एंड लाइक इट्स ओके इट्स ओके। मैं बहुत काम करने की कोशिश करी इनको। देन ही केम टू मीट मी अप मेरे कॉलेज में, आए उसके दूसरे दिन, आई गेस उसी दिन ही केम टू मी एंड हम लोग मिले। एंड देन फिर मुझे रियलाइज हो कि यार जब हम इमोशनली आप किसी इंसान से जब आप कनेक्ट हो जाते हो, नो मैटर्स, मेरी लाइफ में वो डायरी, हमारे लाइफ में वो डायरी का एक्सपीरियंस था, बट जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। एंड वो दिन था जब हमें रियलाइज हुआ कि ओके नाउ ये फ्रेंडशिप नहीं है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड दैट एंड यस तब हुआ। और मैंने उसको एक्सप्रेस कैसे किया, एक्सप्रेस हम दोनों में से किसी ने नहीं किया, किसी ने मतलब। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि आज तक हितेश ने मुझे प्रपोज नहीं किया है, प्रपोज एज इन अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि हितेश मुझे शादी के लिए प्रपोज करे, जबकि होने वाली है, बट आई एम स्टिल वेटिंग, आई स्टिल हैव अ होप्स कि यू नो अभी आएगा किस दिन रिंग लेके और बोलेगा विल यू मैरी मी, बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा बिकॉज अब सब हो गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उस दिन का वेट करने का। बट मैं लास्ट टाइम भी जब लास्ट वीडियो में बोला था कि एक रोज़ है, मैंने इसको स्टोरी पर डाला था, इसको अगर इफ यू रिमेंबर तो मैंने वहाँ पे डाला था इसका स्टोरी में, काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये वो रोज़ से आपको हितेश ने प्रपोज किया था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये वो रोज़ बिल्कुल भी नहीं है ये रोज़ वो बिल्कुल भी नहीं है, ये 21st रोज़ है उस बुके का, ये 21st रोज़ है। ये बेसिकली क्या है, मेरा बर्थडे था, ये आए, ये पूरा ऐसे फ्लावर के बुके लेके आए और आई विश मैं आपको दिखा पाती, रैंडमली इस वीडियो में ये मैसेज आ गया तो कुछ प्लान नहीं है, बट मैं उस टाइम पे 21 की हुई थी तो ये 21 रोजेज़ लेके आए थे एंड हर रोज़ पे एक मैसेज था, तो उसमें से किसी एक रोज़ पे था कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। तो उसका उस पूरे बुके का जो 21st रोज़ मैंने ओपन किया था ये वो है, ये वो रोज़ है तो ये प्रपोज वाला रोज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज प्रपोज वाला रोज़ पता है मुझे तो याद भी नहीं कि उसमें कौन से, क्योंकि वो ऐसे बुके बना था ना रैंडमली मैं निकाल रही थी और उसमें से वो रोल हो रखे थे मैसेजेस, तो मैं इसके ओपन करके ऐसे रीड कर रही थी, तो मुझे याद नहीं है कि वो प्रपोज वाला रोज़ उसमें से कौन सा हो, मे बी 19, मे बी 10th, मे बी 8, नो आइडिया। बट ये मैंने उसका 21st रोज़ ओपन किया था। आई एम स्टिल वेटिंग मिस्टर गुप्ता जी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई यू नो फॉर अ वेडिंग प्रपोजल, एक अच्छे वेडिंग प्रपोजल की मैं भी वेट कर रही हूँ, तो जल्दी से मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया जाए तो ये वो है गाइस, आपके गैसेस बहुत रॉन्ग थे, तो ये प्रपोज नहीं है, उसका 21st रोज़ आइए। ये मैंने संभाल के क्यों रखा, ऑफकोर्स मतलब मुझे पहली बार किसी ऐसे लड़के ने रोज़ ला के दिए थे और मेरा 21st बर्थडे था और उसमें से एक मैसेज ये भी था, उसमें विल यू बी मिसेस गुप्ता, है ना, वो नहीं था, क्या था फिर You were searching for that, but वो नहीं था उसके अंदर। हाँ, I think उसमें था ही ना, वो उसमें ना। उसमें will you be my girlfriend था। Girlfriend था ना, girlfriend। हाँ, will you be my girlfriend वाला था, but ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसे भी कोई डायरेक्ट प्रपोजल वाला कुछ नहीं था। वो मैं खुद ढूंढ के निकालती, भाई शर्म आ गई उस लड़के को, दे दे लड़का में प्रपोज भी, इसमें कहीं प्रपोजल। और उधर क्या था टिश्यू पेपर, क्योंकि रो पड़ी थी। हाँ, और एक छोटा सा डॉगी दिया था मुझे, सॉफ्ट टॉय दिया था, वो भी मेरे पास है। उस दिन की बहुत सारी चीज़ें, उस दिन की क्या मेरे हर बर्थडे की बहुत सारी चीज़ें मैं फंस रखी हूँ। इनफैक्ट मैं वह पैकेजिंग भी, जिस पैकेज में हितेश ने मुझे वो कुछ गिफ्ट्स दिए होंगे, तो वो पैकेजिंग भी आई स्टिल हैव दैट पैकेट पूरा ख़राब, जो मतलब उस पर जो डायग्राम बने तो सब वो उड़ चुके हैं टाइम के साथ साथ, बट मेरे पास अभी भी वो पैकेट है। कभी मौका मिले तो पक्का दिखाऊंगी। तो इसका क्लैरिफिकेशन हो गया है, ये वो नहीं है। ओके, हैव यू एवर बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर अ व्हाइल? मौका नहीं आया पर मौका आ सकता था। मुझे ये डालो। मौका नहीं आया और क्या पता अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में भी होते अगर वो मौका आ जाता तो, है ना? बिल्कुल। रोका वोका तो बहुत दूर की और रिलेशनशिप चल रही होती तो। अब आपने इतना बताया तो बता भी दो, क्या मैडम कनाडा जाने वाली थी? हाँ, तो बात यह है कि जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, मेरी डबल मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, मैंने भी बता दिया कि मैं डबल मास्टर हूँ, ठीक है? तो जब मेरी मास्टर कंप्लीट हुई थी तो मैं यहाँ पर जॉब करी थी। तो जॉब के बाद एक ऐसा फेज़ आया जब एक्चुअली मैं बड़ी वैसी बच्ची हूँ, मुझे जॉब मिलती थी और मैं छोड़ के भाग देती थी। अरे मैं कोई भी जॉब 2-3 महीने मैंने कभी की नहीं आज तक, और मेरे मॉम ने लिटरली ऐसे शॉक में चले जाते थे कि भाई कैसी लड़की हमारी जॉब ही नहीं करती, इसको जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलती है, जो चाहिए होता है वो जॉब मिलती है, एंड छोड़ के जाती है, ये हमेशा छोड़ के जाती है। तो देन उन्होंने मुझे बोला कि यार तुझे वहाँ जाके पढ़ाई करनी चाहिए, और मेरी मॉम का ड्रीम था कि मुझे वहाँ जाके पढ़ाई करनी चाहिए, पापा का नहीं, सिर्फ मम्मा का ड्रीम था कि मुझे बाहर जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और मैंने डिसाइड किया, और मेरा भी ड्रीम था कहीं ना कहीं, आई ऑलवेज वांटेड कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ, एक आई नो एक बाहर की लाइफ जीऊँ, काइंड ऑफ अस था मेरा ड्रीम। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी से बात हुई, पापा अग्री नहीं कर रहे थे, मम्मा तो फुल ऑन रेडी थी कि हाँ इसको भेजना। एंड देन पापा को बहुत टाइम बनाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली मैं अब जाके अपने एग्ज़ाम्स दूँगी और मतलब मैं बाहर जाऊंगी। तो उस टाइम हितेश मुझे बोल चुके थे कि हम लोग लॉन्ग रिलेशन में नहीं रह पाएंगे, तो हम लोग रिलेशनशिप में थे उस टाइम में, बट इनको ऐसा लगता था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रह पाएंगे, मुझे तो आप जाओगे और आओगे नहीं। तो मैंने अपने फादर को ऑलमोस्ट बना लिया था, और जैसे मैंने बनाया उसके अगले दिन लॉकडाउन लग चुका था, सो इसलिए प्लान जो है पूरा कैंसिल हो गया और मैं नहीं गई। और लॉकडाउन के फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर था लॉकडाउन का, तब इनकी साइड से बहुत प्रेशर आना शुरू हो गया कि अब शादी करनी है, लड़कियां मिल रही हैं, लड़कियां बहुत आ रही हैं, मतलब लड़कियों के बहुत से प्रपोजल आ रहे हैं इनके घर पे, रिश्ते जिसे कहते हैं, रिश्ते आ रहे हैं इनके लिए। सो फिर मैंने ऑफकोर्स पेरेंट्स से बात तो करनी थी, क्योंकि फिर मैं जा नहीं रही थी, और फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया था, बिकॉज जितना मेरा प्लान था कि मुझे, और मैं भी इसी चीज़ की लड़ाई कर रहा था कि यार जितना बाहर प्लान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यहाँ भी पॉसिबल है, एंड शी सेड यहाँ पॉसिबल नहीं है, एंड आई वाज लाइक यहाँ भी पॉसिबल है, ट्रस्ट मी, मेरी बात सुन, ऐसे ऐसे चीज़ें कर, और जैसे मैं चीज़ें बोलता था वैसे करी आपने, और बट गॉड ग्रेस लाइक हो गया, सब अच्छा होगा। तो फिर मैं जिद ही छोड़ दी, मैं मतलब जब सब कुछ जो मुझे वहाँ चाहिए था मुझे सब कुछ यहाँ मिल गया, तो मैं क्या करूँगी जाके, मेरे नक्शे कदम पे चली मैडम। ऐसी बात नहीं, कोविड में यार बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, तो एक कोविड एक बहुत बड़ा रीज़न था ना जाने का बाहर। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे नक्शे कदम पे चली, लाइक यहाँ पे मेरे नक्शे कदम पे जो मैं चीज़ें बोली वो फॉलो करी। हाँ, मैंने फॉलो की, ऑफकोर्स फॉलो की, मैं तो बोलती हूँ, मैंने बोला नहीं अभी कि सीखा मैंने इनसे काम कैसे करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आप दोनों में आफ्टर एनी फाइट सॉरी कौन बोलता है पहले? कौन बोलता है? मैं। इतना सफेद झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं, सच बोल रहा, सॉरी। ये मैं प्रूफ कर दिया, पता है। हम दोनों में सॉरी हितेश बोलता है सबसे पहले, ताकि पता क्या होता है, सॉरी ना आग में पानी का काम करता है, आग लग रही ना, मैं फिर लड़ाई करती हूँ, पहले पानी डाल दो, सॉरी बोल के, इतना गंदा है ना, फिर लाइफ कराओ, बेटा गलती मेरी थी, गलती तेरी थी, मैं सॉरी बोला शांत करने के लिए, उस टाइम पे शांत करने के लिए, लाइक ओके हम सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मैं शांत होती हूँ और यहाँ से अगली लड़ाई होगी ना, फिर बोलता है उस दिन ना मैंने ना ऐसे गुस्सा शांत में सॉरी बोला, ये मेरी गलती नहीं थी, मतलब बोला क्यों, फिर क्यों बोला, अरे भैया आग लगे पानी डालना है यार। हाँ, और एक क्वेश्चन ये है कि आप दोनों की कभी फाइट हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बोलने वाले, बढ़ते सारे क्वेश्चन है कि मन करे बस जवाब देते रहो। तो ये क्वेश्चन है कि आप दोनों की लड़ाई होती है तो कितनी देर तक रहती है और आप दोनों में से शॉर्ट सबसे पहले कौन करता है? देखो यार, शॉर्ट्स करने का क्रेडिट तो मैं दूंगा रशिका को। ये तो है यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बता दूं मुंह फुला के बैठ रहे तो हां एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये रूल है हमारे रिलेशनशिप का कि हम कोई भी लड़ाई करेंगे तो हमें रात को 12 बजे खत्म करनी है। अगले दिन उसकी चर्चा नहीं होगी और ये हम तब से अब तक फॉलो करते आ रहे थे। लास्ट एक महीने से फॉलो नहीं हो रहा है, बाहर आ रहा लेकिन हमने ट्राई कर लिया, अभी से ट्रैक पे आ रहे हैं। फिर से हम ट्रैक पे आ गए क्योंकि हम लोग पहले क्या करते थे, मान लो अभी सुबह हमारी लड़ाई हुई तो रात को 12 बजे नो मैटर चलेगी वो पर लड़ाई हो आज पूरे दिन चलेगी वो, जैसे युद्ध विराम चलता है पूरे दिन युद्ध चलता है बट नो मैटर कि वो सॉल्व हो गई रात तक, बट वो एंड हो जाएगी। मतलब मान लो इनकी गलती है, वो इतना चलाक है नहीं, ठीक है इसकी गलती होती है ना, जब इनके इतना चलाक है नहीं, जब इनकी गलती होती है तो पता है क्या करता है एंड में आके, मान लो कि जैसे लड़ाई खत्म मतलब 12 बजे होंगे, ओ 12 बज गए एंड मतलब नो सॉरी नथिंग 12 बज गए, ठीक है। और मेरी लड़ाई है ना, मतलब मैं गुस्सा हो रखी हूँ तो बोला कि ओ 12 बज के खत्म करो, और जब ये गुस्सा हो रखे होते हैं तब तो भैया अगले दिन 12 बज के 1 मिनट चलती है, 1 मिनट 2 मिनट, फिर जाके आधे घंटे बाद होता है 12 बज चुके, रिलाइज होता है 12 बज चुके खत्म करो। तो वो अच्छी लड़ाई हो, मतलब उसका एंड, उस लड़ाई का सोल्यूशन हुआ हो या ना हो, बट 12 बजे तक वो समाप्त होनी चाहिए। नो मैटर वो सुबह 12 बजे शुरू हुई, सुबह 6 बजे शुरू हुई, दिन में 4 बजे या शाम को 6 बजे शुरू हुई, बट रात को 12 बजे खत्म होगी ही वो लड़ाई। तो हम ऐसे उसको ख़त्म कर देते हैं। बट अभी हमारी कुछ टाइम से लड़ाई 12 से लेके कि बहुत सारे 12 बहुत सारे बज रहे हैं हम बैक टू ट्रैक पे आ रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने इस रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन थी कि लड़ाई करेंगे तो भाई इस मजे ख़त्म कर लेंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, तो अब शादी वाली ज़िंदगी में वही रूल रेगुलेशन चलने चाहिए वरना हर रोज हम दोनों के ये, मेरे कल परसों भैया बोल रहे थे कि भैया हर 2 दिन बाद बाहर सोफे पे सो रहे होंगे तो वैसे होने की पूरी संभावना है। ओके गाइस, सो बहुत मज़ा आया आज के Q&A में, आप लोगों के जवाब देने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग इतनी सारी बातें पूछते हैं, हमारे बहुत सारे फ्लैशबैक्स वापस आ जाते हैं। सो कोशिश करेंगे 20 के लाइक के बाद, अब 20 के लाइक्स के बाद, 20,000 लाइक्स के बाद हम अनदर Q&A बनाएंगे। एंड आई वॉन्ट कि ये हमारी शादी से पहले वाला Q&A हो, बट हितेश ऑफिस जाते हैं कि शादी के बाद वाला Q&A ना, बट मेरे को प्रूफ कर दो आप राइट इस बार कि ये शादी से पहले होना चाहिए, एक Q&A हो जाना चाहिए उससे पहले, मुझे ऐसा लग रहा है। तो शादी की डेट क्या है, अब गेस कर लो कि वो क्या होने वाली है। और यस, तो थैंक यू सो मच ज़रा प्यार देने के लिए हमको, और हमारी मेमोरीज़ को दोबारा से यू नो लाइव करने के लिए, एंड इतना सारा प्यार देने के लिए हमको, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे हमारे चाहे आपके मैसेजेस हो, चाहे DMs हो, कुछ भी होता है हमारे से, दिल हमारा ऐसे यू नो फूल उग जाते हैं, बटरफ्लाइज होती है। ओ आज ये कमेंट आया, ओ आज ये रिप्लाई आया। अभी भी मैं एक लड़की को मैसेज रिप्लाई करती, लिटरली मैंने ऐसे ही हमको वीडियो भेजा है। एंड या बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ बात करके, ऐसे इंटरेक्ट करके, 101 वाले जो फील आती है ना वो ऐसे आती है। होप कि आप लोगों को भी ऐसे अच्छा लगता हो हमारे साथ बात करके। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम व्लॉग्स डालें क्योंकि अब प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। मैं बता दूं कि जो गैसेस कर रहे हैं ये है वो है, अब प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, तो अब एक्चुअली में आने वाला है कॉन्टेंट। जो हमने पहले भी कहा था कि हम लोग बहुत टाइम से हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़, मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग एंड ऑल, बिकॉज दूर हैं, बट अब कर पाएंगे। अब रेगुलर मीटअप्स एंड फंक्शंस एंड एवरीथिंग, सो अब हम लोग ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ेंगे होपफुली। कुछ तो बनाएंगे, चाहे 4 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे 3 मिनट, बट 5 मिनट हम बनाएंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस कि हम बनाएंगे। और हितेश एडिटिंग सीख रहा है, ओके इस वीडियो की प्रॉमिस के बाद हितेश एडिटिंग सीख रहा है और एडिट करने जाएंगे यही वीडियो जिसमें पता नहीं क्या क्या कट जाएगा, बट मैं इसकी जिम्मेदारी खुद लूँगी। लेकिन अच्छी बातें ये डाल देंगे, बुरी बातें काट देंगे। तो यस, हम करेंगे, ठीक है, ब्लॉगिंग करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ओम नमः शिवाय, बाय।